वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:15 के उपरांत नसीब चमकने वाला है आपका। अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसी आप सभी को मिलने वाली है कि घर घर आपका ही नाम के चर्चे होंगे। चाहे कोई भी दुश्मन हो, रोक सको तो रोक लो, अब यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों आप जो चीज चाहते थे वह चीज आपको अब मिलने वाला है। मुझे पता है बहुत देर हुआ, लेकिन दोस्तों अब आपको ब्याज सहित मिलने वाला है। और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, बस समय समय की बात है जब हमको लगता है कि यह कार्य हमारे लिए गलत हो रहा है, या फिर यह जो हुआ बहुत बुरा हुआ, वहां हमें बहुत गलत लगता है। लेकिन वहां पर भगवान का कोई नया खेल शुरू होने को होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और जब वह समय आता है तो हम भगवान के सारी लीला को समझते हैं और मन ही मन खुशी की आंसू बहाते, क्योंकि जिसके लिए हम कभी तरस गए थे और वह चीज जब आज जितना सोच भी नहीं थे उनसे हजार गुना ज्यादा मिलता है, तो कोई भी इंसान की आंखों में आंसू आना बड़ी बात नहीं है। जी हां दोस्तों, और अब आप सभी की आंखों में भी खुशी की आंसू आएंगे, क्योंकि भगवान अब आपको देने वाले हैं। जितना आपने कभी सोचा नहीं था उतना आपको देने वाले। अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सफलता देखकर आप और आपका पूरा परिवार हैरान हो जाएंगे, खुशी से नाचे लगेंगे। शैलेंद्र पांडे की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है, शैलेंद्र पांडे की भविष्यवाणी संत पर सटीक होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा भविष्यवाणी कोई गलत साबित कर देगा तो उसे मैं एक ₹67,000 का इनाम दूंगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ यह तीन बड़ी घटना होकर रहेगा। इस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों यह घटना आपके लिए कितना शुभ रहेगा और कितना अशुभ रहेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग बन चुका है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन लक्ष्मी योग बन चुका है। भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से अमृत सिद्धि योग बन चुका है। और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग बन चुका है। इसीलिए प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ यह तीन बड़ी शुभ घटना होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुश्मन का बाप भी नहीं रोक सकता है। प्यारे दोस्तों यह घटना जिस व्यक्ति के जीवन में होता है उसकी किस्मत पूरी तरह जाता है कि किस्मत कमल की तरह खिल उठता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है, उसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिष कार्यक्रम को बिना सूचित किए शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। प्यारे दोस्तों महामूर्ख होगा जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किया होंगे। इतनी बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन को एक नया दिशा देने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिष कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान शनिदेव महाराज का, जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। प्यारे दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापार में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी। अगर आपका व्यापार भी देश में चलता है तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो लाभ होगा
उसे देखकर आप खुशी से नाचने लगोगे। जी हां प्यारे दोस्तों, इतना ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। जो लोग बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बिल्कुल भी थी। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद जो है आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अभी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, आप उनका दवाई करा कर चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर एक साधु महात्मा दस्तक देने वाले हैं, और वह साधु महात्मा कोई और नहीं बल्कि देवों का देव महादेव जी होंगे, जो कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने आ रहे हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, महादेव जी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके बाद आपकी जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगा। प्यारे दोस्तों, यह पर्चा खुद बागेश्वर धाम में लिखा है। इस पर्चे में जो लिखा गया है वह 100% सटीक है। अगर परिचय में खा गया एक भी शब्द गलत निकला तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। जी हां प्यारे दोस्तों, इस पर्चे में साफ साफ लिखा गया है कि आपके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी क्यों है, किस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जबकि आप मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है। और आप देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी कम मेहनत करते होंगे, उसके बावजूद भी वह इंसान आपसे काफी आगे निकल चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो वह इंसान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और आप दिन रात मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका किस्मत सोने चांदी की तरह चमकने लगेगा। लेकिन आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। जिनका जो किस्मत में है उनको वह मिलकर ही रहेगा। अगर किसी के जीवन में दुख लिखा हुआ है उनको दुखों का सामना करना पड़ेगा, और अगर किसी के जीवन में सुख लिखा हुआ है तो उनको सुख की प्राप्ति होगा। उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। उस इंसान को कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगा। और जिस व्यक्ति के नसीब में दुख लिखा हुआ है वह इंसान कितना भी कोशिश कर ले परंतु उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगा, उनको दुखों का सामना करना ही होगा। और ऐसा ही कुछ आपके लिए इस पर्चे में लिखा है। जी हां प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 3 सालों से आपको ज्यादा दुख तकलीफ हो रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों वह आपका किस्मत में लिखा था, आपका भाग्य में लिखा था कि आपको कम से कम 3 सालों तक परेशानियों का सामना करना। इसलिए पिछले 3 सालों से आपको इतना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब आपका भाग्य बदल चुका, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पड़ चुका है, जिसके वजह से अब आपके जीवन में से वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगा जो पिछले 3 सालों से आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। अब आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति का योग बनेगा, अब आप कम मेहनत करके भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए इतना अच्छा समय आ चुका है, इसीलिए प्यारे दोस्तों अब आपको चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो वरना जिंदगी भर रोते रहोगे, जिंदगी में कभी भी आप नहीं हो पाओगे, कामयाब पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस व्यक्ति से दूर हो जाइए। प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करना है, सफलता को हासिल करना है, तो इस व्यक्ति से आपको दूर होना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। जब तक आप इस व्यक्ति के साथ रहेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात का फुल गारंटी है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस व्यक्ति से दूर हो जाओ। प्यारे दोस्तों,
इस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इस व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेंगे तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी इसके मत करना। अगर आप ज्योतिष कार्यक्रम को गिफ्ट करते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, तो आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगले 5 मिनट के अंदर आपको जो जानकारी हम इस ज्योतिष कार्यक्रम के अंदर देने वाले हैं, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इतना महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी तसल्ली के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, काफी ज्यादा जीवन में परेशान हैं। आपके जीवन में एक के बाद एक कई परेशानी आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अभी तक सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाया है। आपको परेशानी से छुटकारा मिलता है तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देख लीजिए, आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद आपके फोटो चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको इस व्यक्ति से दूर हो जाना है जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, इस औरत ने सारी हदें पार कर दी, अब चुप नहीं बैठूंगा। इस औरत के बारे में एक एक बात विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इस औरत में आकर जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है, और अब यह औरत आपको जान से मारना चाहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको घबराने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस औरत का नाम क्या है, इस औरत से बच के आपको कैसे रहना है ताकि आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपका कुंडली के आधार पर आधारित है, जो कि प्यारे दोस्तों 100% सटीक है, और ए ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, महामूर्ख होगा जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा। इतना महत्वपूर्ण जानकारी इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको देने वाले प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई परेशानियां हैं जो आपको पिछले कुछ सालों से परेशान कर रही हैं। जैसे कि आप अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाता है। आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास पैसों की समस्या हमेशा लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा नहीं पाते, आप अपने हिसाब से पैसों की ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता नहीं है। और भी कई प्रकार की समस्याएं आपका जीवन में देख लें, जिसके वजह से आपको हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो इन सब का समाधान क्या है, कब तक इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिला, और इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा, सब कुछ विस्तार से आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं। दो तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, जो प्यारे दोस्तों, उन जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर जो परिवर्तन होने वाला है, इससे आपका कुंडली का पूरा गणित बदल जाएगा। यह प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऊपर से आपके घर में तरह तरह की परेशानी देखने को मिल रहा है। एक परेशानी से छुटकारा मिलता है तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाते हैं, और इसी वजह से आप अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें,
अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि आपका किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही प्यारे दोस्तों इस ज्योतिष कार्यक्रम हम लोग एक ऐसा उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना किस्मत सूरज की तरह चमका सकते हैं। लेकिन उससे पहले देवों का देव महादेव जी का, जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, तो आप जरूर लिखें। आइए प्यारे दोस्तों बात करते हैं। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह का निर्माण हो रहा है जिससे आपको अगले 24 घंटे के अंदर यह 5 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगा। अब यह 5 बड़ी खुशखबरी व्यापार में मिल, नौकरी मिल सकता है, प्रेम संबंध में मिल सकता है, विदेश में रह रहे परिजनों से मिल सकता है, ससुराल पक्ष की तरफ से मिल सकता है। इन सभी क्षेत्रों में 5 बड़ी खुशी आपको मिलकर रहेगा, इस बात का 100% गारंटी है। प्यारे दोस्तों अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है, अब आपका किस्मत बदलने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, अचानक से अब आपका जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। और इसी के साथ एक बात आपको बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए तो कहना। जी हां प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है, और आपके साथ में ऐसा हो चुका है। यूं कहें तो आपके साथ तरह तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिनका सदा आपको अब तक भुगतना पड़ रहा है। जी हां प्यारे दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे बापू गई है दिल का सौदा आपको भुगतना पड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हां प्यारे दोस्तों, इसमें डराने वाली बात यह है कि अभी तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार करते आ रहे हैं। हो सकता है आज भी आप उन गलतियों को करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर वापस लौट जा और आपको उसका लाभ की प्राप्ति नहीं होता है, और आप मन ही मन सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसका सजा मुझे अभी तक मिल रहा है, क्यों मेरा किस्मत नहीं बदल रहा है, क्यों मुझे पूरे जीवन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रहा है, जो मेरे घर में लक्ष्मी नहीं दिखता है। तो प्यारे दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्यारे दोस्तों आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को देने से साफ साफ मना किया गया है। जी हां प्यारे दोस्तों, जहां किसी को मदद करना एक अच्छा कर माना गया है, वहीं कुछ चीजों को देने से मान अभी क्या गया है। अगर आप इन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से आपका जीवन बिखर जाता है। तो प्यारे दोस्तों वह कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए, आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। बात करते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नंबर 1, रसोई घर का हल्दी। जी हां प्यारे दोस्तों, रसोई घर का हल्दी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों इसमें भी बीमार लक्ष्मी का वास होता है, और ऐसे में अगर आप किसी को अपनी रसोई घर का हल्दी दे देते हैं, आप उस हल्दी के रूप में अपने घर के लक्ष्मी को भी भेजें, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी होने लगता है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं दिखता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों भूल कर भी किसी को अपनी रसोई का विवाह। नंबर 2, रसोई घर का नमक। नंबर 3, सिंदूर। नंबर 4, झाड़ू। नंबर 5, घड़ी। जी हां प्यारे दोस्तों, इनमें से कोई भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर इन सब में से कोई भी चीज आप दूसरों को देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और आपके घर का सुख समृद्धि नष्ट हो जाता है। प्यारे दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, आपका नाम पूरे 25 करोड़ का लॉटरी लगा है और दुश्मन के घर अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस दस्तक देने वाली है। दुश्मन को जेल की रोटियां खानी पड़ेगी,
जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरा 25,000 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी ने आदेश दिया है। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको और 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में पहली बार इतना बड़ा और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। ऐसा खुशखबरी आज तक किसी को नहीं मिला है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, आखिर अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरे 25,000 किस तरह से आने वाला है और कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही प्यारे दोस्तों, हम लोग यह भी बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर दुश्मन के घर पर पुलिस दस्तक क्यों देने वाली है। आपका दुश्मन ने ऐसा कौन सा गलती किया है जो उनको जेल की रोटियां खानी पड़ेगी। इन सभी के बारे में 100% सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना राशिफल देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन करता है तब हमारे जीवन में तरह तरह का बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें कुछ लोग बहुत तरक्की करते हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता हासिल होता है, एक शब्द में कहें तो रंक से राजा बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग राजा से भिखारी बन जाते हैं, वह जो भी काम करते हैं उसमें उसे सफलता नहीं मिलता है, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब उनको घर का खर्चा चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, घर का खर्च नहीं चला पाते हैं, घर परिवार रोड पर आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात आता है कि आपका तो राशि परिवर्तन हो चुका है, तो अब आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव होने वाला है, आपको इस परिवर्तन से कौन कौन सा लाभ होगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगा, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप पिछले समय अवधि में कुछ ऐसा कार्य किए थे जिससे भगवान कुबेर महाराज जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे, परंतु उस समय भगवान कुबेर महाराज जी की ओर से आपको कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हुआ था, उसी का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। इसलिए भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन चुका है, और अब भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आपको पूरे 25 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगा, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इतनी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है, अब आपको धन से जुड़ा कोई भी समस्या नहीं होगा, इतना ज्यादा अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से लाभ मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज शाम 5:45 पर भगवान शनिदेव महाराज दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, अब दुश्मन को भगवान शनिदेव महाराज से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, दुश्मन का अंतिम घड़ी आ चुका है। दुश्मन पापों का सजा मिलकर रहेगा, और इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज शाम 5:45 के बाद आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में शुभ योग धन, लक्ष्मी योग और 2 राज्य योग बन चुका। इसलिए प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका किस्मत बदलने वाला है, यूं कहें तो अचानक से आपका किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। यह जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आज शाम 5:45 का जो समय है, वह समय आपके लिए कलयुग का सबसे अच्छा समय साबित होगा।
यूं कहें तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा और आपकी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं और आपको बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जिन खुशखबरियों को सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, खुशी से झूठ उठोगे। जी हां प्यारे दोस्तों, अनेकों प्रकार की लाभ धन लाभ होगा, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह खुशखबरी या आपका कैरियर से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, आपका बिजनेस व्यापार से संबंधित है, घर परिवार से संबंधित है, आपका स्वास्थ्य संबंधित है, धन प्राप्ति से संबंधित है। यूं कहें तो यह खुशखबरी तमाम क्षेत्रों से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी खुशखबरी है? इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपके संपूर्ण सटीक जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए प्यारे दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखें। आज केवल नसीब वाला ही इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख पाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह ज्योतिष कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देख लेगा उसके जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को आगे शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और भगवान शनिदेव महाराज का, जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा और भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आइए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और आपको बता दें, यह जो परिवर्तन होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक वाला रहेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जो परिवर्तन है आपके पक्ष में रहने वाला है, इसलिए प्यारे दोस्तों अब आपका सभी महत्वपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होने वाला है। प्यारे दोस्तों, सोने का पहाड़ बन चुका है। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से सोने का पहाड़ बन चुका है, इसीलिए प्यारे दोस्तों अगले 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, शनिदेव ने दे दिया है एक बहुत बड़ा शुभ संकेत, इसलिए प्यारे दोस्तों मैं आपको 1 से 1% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अब आपको शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से आपका किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, अब भगवान शनिदेव महाराज आपका किस्मत बदल कर रख देंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका कुंडली में धन योग, शिव योग, राज्य योग और शश योग बन चुका है, इसलिए प्यारे दोस्तों आपको वह कामयाबी हाथ लगेगा जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से अगले 10 दिनों के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, अगले 10 दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी, आपको लाभ होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, सभी क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगले 10 दिनों तक भगवान शनिदेव महाराज आपके राशि वालों के ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहेंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों आप लोगों को भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से इन 10 दिनों में बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने का योग बन रहा है और मिलकर रहेगा। अब आपको कामयाब होने कोई नहीं रोक सकता है, हर हाल में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि प्यारे दोस्तों आज जो जानकारी हम आप सभी को बताने जा रहा हूं 1 से 1% आपका कुंडली के आधार पर आधारित है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं अगले 10 दिनों तक आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी और कौन कौन सा कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा। और इसी के साथ
हम लोग बात करेंगे। अगले 10 दिनों के भीतर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाला है, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। ज्योतिष कार्यक्रम को बीच बीच में काट कर देखोगे तो आप इस ज्योतिष कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। ज्योतिष कार्यक्रम को बीच बीच में काट कर देखोगे तो आप इस ज्योतिष कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखना। केवल नसीब वाला ही इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखेगा, बदनसीब होगा जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इन 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो खुशखबरी दस्तक देने वाली है वह कलयुग का सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शनिदेव महाराज का अगर आप सच्चे भक्त हैं तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। इस समय आपका कुंडली में जो ग्रहों का बदलाव हो रहा है उसका सीधा असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे आपके दुखों का अंत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगा। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगा। अब आपको शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से लाभ की प्राप्ति होगा। अब आपको धन से जुड़ी समस्या नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है। अब आपका किस्मत बदलने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, अचानक से अब आपका जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। और इसी के साथ एक बात आपको बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए तो कहना। जी हां प्यारे दोस्तों, वह कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है, और आपके साथ में ऐसा हो चुका है। यूं कहें तो आपके साथ तरह तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर दिल का सौदा आपको अब तक भुगतना पड़ रहा है। जी हां प्यारे दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी पाप हो गई है जिनका सौदा आपको भुगतना पड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हां प्यारे दोस्तों, इसमें डराने वाली बात यह है कि अभी तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार करते आ रहे हैं। हो सकता है आज भी आप उन गलतियों को करने, जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर वापस लौट जाता है और आपको उसका लाभ की प्राप्ति नहीं होता है, और आप मन ही मन सोच, मैंने कौन सी गलती कर दी, इसका सजा मुझे अभी तक मिल रहा है, क्यों मेरा किस्मत नहीं बदल रहा है, क्यों मुझे पूरे जीवन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रहा है, जो मेरे घर में लक्ष्मी नहीं दिखता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को देने से साफ साफ मना किया गया है। जी हां प्यारे दोस्तों, जहां किसी को मदद करना एक अच्छा कर माना गया है, वहीं कुछ चीजों को देने से मना भी किया गया है। अगर आप इन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से आपका जीवन बिखर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वह कौन सी चीजें हैं आपको किसी को नहीं देना चाहिए, आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। बात करते हैं, वह कौन सी चीज है जो आपको भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नंबर 1, रसोई घर का हल्दी। जी हां प्यारे दोस्तों, रसोई घर का हल्दी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इसमें बीवी मां लक्ष्मी का वास होता है, और ऐसे में अगर आप किसी को अपनी रसोई घर का हल्दी दे देते हैं तो आप उस हल्दी के रूप में अपने घर की लक्ष्मी को दे देते, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी होने लगता है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं दिखता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, भूलकर भी किसी को अपनी रसोई घर का हल्दी ला। नंबर 2, रसोई घर का नमक। नंबर 3, सिंदूर। नंबर 4, झाड़ू। नंबर 5, घड़ी। जी हां,
प्यारे दोस्तों में से कोई भी चीज आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर इन सब में से कोई भी चीज आप दूसरों को देते हैं, आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और आपके घर का सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके अगले 24 घंटे अत्यंत शुभ और मंगलकारी होंगे। उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से आपका हर पल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपका दिन शुरू होते ही एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और हर परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आज आप अपने कामकाज में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगेंगे और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आपके वरिष्ठ आपके काम की तारीफ करेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको प्रमोशन या किसी विशेष इनाम के रूप में मिल सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे आज ही पूरा करने का प्रयास करें, सफलता निश्चित है। व्यवसायी वर्ग के लिए भी समय अत्यंत शुभ है। व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और किसी बड़े सौदे या कॉन्ट्रैक्ट से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की बहार आने वाली है। घर के सभी सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। पारिवारिक विवादों का समाधान होगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई और उनकी सफलता से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ेगी और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी सेहत भी भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से अच्छी रहने वाली है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में आप सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या थी तो उसमें सुधार होगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्वस्थ खानपान पर ध्यान दें और ताजगी भरे फलों और सब्जियों का सेवन करें। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आप किसी भी बीमारी से दूर रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। नए निवेशों से लाभ होगा और पुराने निवेश भी अच्छा रिटर्न देंगे। धन की प्राप्ति के नए स्रोत भी खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे और भविष्य के लिए बचत भी कर पाएंगे। अगर आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तो भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से वह भी समाप्त हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक जीवन में भी आप अत्यंत सक्रिय रहेंगे और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके मित्र और सहयोगी आपके साथ खड़े रहेंगे और हर संभव सहायता करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके कामों की सराहना करेंगे। भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आप समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे और लोग आपके विचारों और सलाहों को महत्व देंगे। प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और हर तरफ से शुभ समाचार मिलते रहेंगे। हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हर स्थिति में आप आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें और भगवान शनिदेव महाराज जी की पूजा और आराधना करते रहें। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको हर कठिनाई से बचाएगा। एक छोटा सा उपाय भी करें, भगवान शनिदेव महाराज जी की पूजा करें और शनि मंत्र का जाप करें। AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और भगवान शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शनिवार के दिन काले तिल, काले कपड़े या काले उड्डढाट का दान करना भी शुभ माना जाता है। भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे और आपका हर दिन मंगलमय हो।